से रवि कवि वहां पहुंचे कल तक की न्यूज चली। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जो अपनी गाड़ी में आए उनको भी नमस्कार, जो दूसरों की गाड़ी में घुस घुस कर आए हैं उनको भी नमस्कार, भाइयों को भी नमस्कार, उनकी बहनों को भी नमस्कार। मैं सीएम पद का उम्मीदवार हूँ और ये मेरा असाइनमेंट है। असाइनमेंट नहीं, नेताजी असिस्टेंट। नेता तू है कि मैं हूँ? सॉरी नेताजी। और ये दोनों मेरे बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड नहीं नेताजी, बॉडी गार्ड। नेता तू है कि मैं चला गया था? नहीं जी नेताजी। अरे नेताजी आपका हमारे स्टूडियो कर्तव्य में स्वागत है। इरा जी। अरे भाई ये कह रहे हैं कि चार भाई कहाँ है? अरे नेताजी स्टूडियो यहाँ चार भाई ने चेयर लगाई। चेयर नेताजी छोटी चार भाई। अरे इतनी छोटी चेयर में बार बार भी ना आवे। बार बार ना आवे। अरे बैठिए नेताजी। नेताजी अब आपका इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरव्यू क्या है? साक्षात्कार नेताजी। ओ साक्षात्कार। अच्छा तो ये आप बताइए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था? भारत में हुआ। और कहाँ हुआ? सर मेरे कहना का मतलब भारत के कौन से इलाके में हुआ था? अरे भाई इलाका तो कुत्तों का हुआ, हम जैसे शरीफों का थोड़ी है। अरे सर मेरे कहने का मतलब कि कौन से इलाके कौन से घर में हुआ था? अरे चार दिन के बच्चे को ये थोड़ी मालूम की वह कहाँ पैदा हुआ था। अच्छा नेताजी अब थोड़ी जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। जनरल नॉलेज के है? सामान्य ज्ञान नेताजी। ओ सामान्य ज्ञान पूछो। अच्छा अच्छा तो ये बताइए चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? अम्मा स्टोन रखा था। और किसने रखा था? क्यों भैया? अम्मा स्टोन नेताजी नहीं, हम स्टोन। नेता तो ही नहीं हो। सॉरी। अच्छा तो ये बताइए कि चांद पर दूसरा कदम किसने रखा था? अरे बेबू वो एक टांग पर लंगड़ी कैसे रखा था? दूसरा कदम भी उसने ही रखा होगा। अच्छा नेताजी अब थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। पॉलिटिक्स के है? राजनीति नेताजी। ओ राजनीति। अच्छा तो बताइए आपकी सरकार कैसी चलती है? राम भरोसे। राम भरोसे मतलब भगवान भरोसे? अरे नहीं नहीं इसके भरोसे राम। मतलब कैसे? अरे भाई मैं तो अंगूठे साफ हूँ, सारा काम यही करे, अंदर की बात है आप सब जानो। क्लबिंग फॉर योर चेयर। अच्छा नेताजी जो तो ये बताइए आपका डेमोक्रेसी के बारे में क्या ख्याल है? डेमोक्रेसी जनतंत्र नेताजी। अरे जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी, इसी को कहते हैं डेमोक्रेसी। ताली बजाओ सीएम के लिए। अच्छा तो ये बताइए आपने जनता के लिए क्या किया? क्या किया था? अरे कंबल उठवाए थे। और क्या किया था? किसको? अरे जानवरों को, गाय भैंसों को। और किसको? मतदान तो आपने जनता से लिए और कमले जानवरों को उड़ा दी। अरे भाई उनको कमले नहीं उठवाते तो ठंड से मर जाते हैं ना, दूध तो उन्हीं का पीते हैं ना। अच्छा अच्छा फिर तो ये बताइए कि पिछले दिनों गांव में जो आग लगी थी उसमें आपकी क्या सहभागिता थी? अरे भाई जो मर गए थे उनको तो अस्पताल पहुंचा दिया और जो घायल हो गए थे उनको शमशान घाट पहुंचा दिया। चिंता करने की कोशिश अभी भी जारी है, साइंटिस्ट लगवा दिए। जो मर गए थे उनको 5 रुपए का मुआवजा और जो घायल हुए थे उनको 50 रुपए का मुआवजा, इससे ज्यादा भाई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा नेताजी जो आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? भाई झूठा है और क्या। आप अपनी पार्टी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई हमारा संदेश है, हमारा पार्टी का संदेश है, भारी बहुमतों से विजय बनाए और जो दारू से मेहमान है उनको कॉफी पिलाए। अच्छा नेताजी तो पिछले दिनों इतनी महंगाई बढ़ गई उसका क्या कारण था? क्या कारण? अरे भाई इतनी देर से पका रहा है तो डीजे वीजे नहीं लगा सकता क्या? सारा दिमाग खराब कर दिया। नेताजी स्टूडियो या डीजे नहीं लगाया गया? अरे भाई थोड़ा फोन देना। लेकिन क्यों? अरे भाई मैं मेरी पत्नी को करूंगा, तेरी पत्नी को थोड़ी करूंगा। हेलो रामती ईटीवी बीजी सीटीवी भी देख मेरी फोटो कैसी आ रही है। अबे गधे रो नंबर लगा के फोन तो किया भाई। मेरी बात कर। सॉरी डार्लिंग मैं गधा है। अरे बेवकूफ मेरे से गधा बोला है पैसे के। प्रिय दर्शकों इस नाटक के माध्यम से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आपको मतदान के प्रति जागरूक करना चाहते हैं और आपका एक वोट आपके देश और राज्य और सरकार कर सकता है। आप एक ऐसे नेता को चुने जो पढ़ा लिखा हो और क्योंकि आने वाला नेता आपके देश का भविष्य बदल सकता है। धन्यवाद।